सिसोदिया के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में करोड़ों का घोटाला हुआ, यह आरोप कांग्रेस लगा रही है और आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सुबह 10:30 बजे का समय तय हुआ था, पिछले आधे घंटे से यहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। अनिल चौधरी के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जी मीडिया संवाददाता तरुण कुमार मेरे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। तरुण, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं और क्या और ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनके लिए ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है मनीष सिसोदिया के इस्तीफे के सिवाय? देखिए, मुद्दा सिर्फ एक है, न्यू एक्साइज पॉलिसी के तहत जो भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी की सरकार पर लग रहे हैं और डिप्टी सीएम सीधे उसके अंदर आरोपी नंबर एक बनाए गए हैं। इस समय कांग्रेसी सड़कों पर उतर आए हैं। मेरे पीछे मैं सबसे पहले जो बड़े लीडर्स हैं उनको एस्टेब्लिश कर देता हूं। अनिल भारद्वाज जो कम्युनिकेशन के इंचार्ज है दिल्ली कांग्रेस के, हरिशंकर गुप्ता हैं, उदित राज हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सांसद रह चुके हैं, इसके अलावा नरेश कुमार भी हैं। ये सब डेलीगेशन लीड कर रहा है इस प्रोटेस्ट को। कुछ जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनसे बात करते हैं, क्या डिमांड है, ये रोष प्रदर्शन क्यों हो रहा है, क्यों नहीं सवाल उठे कि जब कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई होती है तो सीबीआई निष्पक्ष नहीं होती है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ होती है तो आप स्वागत करते हैं? हम किसका स्वागत कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा। सीबीआई जांच का, सीबीआई जांच का इसलिए स्वागत कर रहे हैं कि एक शिक्षा मंत्री और शराब माफिया बनकर बैठा हुआ है, ऐसे बच्चों पर क्या असर जाएगा? आप बताइए कि कुछ काम हो नहीं रहा है, दिल्ली के अंदर रिपेयर हो नहीं रही है, सड़कें बन नहीं रही है, स्कूल बनाए नहीं है। आज केजरीवाल ने आज तक एक स्कूल नहीं बनाया, एक आध क्लास बनाई होगी तो उसको कहता है स्कूल बनाया है, स्कूल नहीं बनाया है। वो सब सीरा सरकार जी के टाइम का, सीरा सरकार के टाइम का वो बना हुआ है सारा कुछ। क्या परवेज जी, मांग क्या है और आधार क्या है मांग का? देखिए, मांग लगातार ये आज से नहीं है, नवंबर 2021 जिस दिन से दिल्ली में नई शराब नीति लागू हुई उस दिन से दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी जा रही है। जो शिक्षा क्रांति की बात करते हैं, ये शराब क्रांति लेकर आए दिल्ली में। 25 साल के युवाओं की उम्र घटाकर शराब पीने की उम्र 21 साल की गई है। और जिस तरह से ये कहते हैं कि शिक्षा बेहतर हुआ है, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने का मतलब क्या है? क्या आप दूध के धुले हैं? आपको लाइसेंस मिल गया भ्रष्टाचार करने का? आखिर आपका दीप मल्होत्रा से क्या कनेक्शन है? आखिर आपका जो 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 एक्साइज पॉलिसी आप लेकर आए थे, आपने एक्साइज पॉलिसी में साफ साफ कहा गया है कि एक कंपनी को दो से अधिक जोन नहीं मिल सकते, फिर कैसे दिए गए 144 करोड़ रुपया वे ऑफ कर दिया जाता है आपका, किसको फायदा पहुंचाने के लिए? तो कुल बात यह है कि दिल्ली का जो शिक्षा मंत्री ही शराब मंत्री है और आज दिल्ली के युवाओं को शराब की तरफ ढकेल रहा है, दिल्ली को नशे की राजधानी बना रहा है। और इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच होनी चाहिए और अरविंद केजरीवाल को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए मनीष सिसोदिया। केजरीवाल सरकार की बर्खास्ती की मांग की जा रही है। सांकेतिक तौर पर यहां पर मनीष सिसोदिया का पुतला भी निर्मित किया गया है ये जताने के लिए कि शराब माफिया के साथ केजरीवाल सरकार की साठगांठ है। कुछ गधों पे सवार होकर कांग्रेस